विवेक बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर सरकार जल्द ही ट्रस्ट के सदस्यों के नाम सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, दिगंबर अखाड़े के अध्यक्ष महंत सुरेश दास और निर्मोही अखाड़े के सरपंच रामचंद्राचार्य महंत दिनेंद्र दास को शामिल करने पर विचार कर रही है। इनके अलावा ट्रस्ट में शामिल होने वाले नामों में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, मणिराम दास छावनी के अध्यक्ष महंत कमलनयन दास, रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडे, वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय और कुछ दूसरे अखाड़ों के सर्वोच्च प्रमुख या अध्यक्ष के नाम भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर फैसले के मुताबिक 10 फरवरी को 3 महीने की मुद्दत पूरी होगी। जानकारी के मुताबिक इस दरमियान सरकार को ट्रस्ट के नाम तय कर ट्रस्ट बना लेना है। सुप्रीम कोर्ट की लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले पर 9 नवंबर 2019 को अहम फैसला सुनाया, जिसके बाद सदियों पुराना अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया गया। इस मामले पर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायमूर्तियों की बेंच ने 40 दिन तक नियमित सुनवाई की। इस मामले में 32 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामले में 3 पक्षकार बनाए थे, जिसमें पहला पक्ष रामलला विराजमान का था, दूसरा पक्ष निर्मोही अखाड़े का था और तीसरा पक्ष था सुन्नी वक्फ बोर्ड का। शीर्ष अदालत ने तीनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद लंबे समय तक धार्मिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।